नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सागर मलिक। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जो कि आपको ऊपर नज़र भी आ गया होगा, फिर भी मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, आपके कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है उसका बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ़ वी एड न्यूमिनेटर, आपको न्यूमिनेटर तो पता ही होगा क्या होता है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में जो हमारी ऊपर की जो, जैसे मान लिया 4/5, जो हमारा ये होता है, हमारा न्यूमिनेटर होता है, ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। उसने कहा कि इफ़ वी एड टू द न्यूमिनेटर 1, अगर मैं न्यूमिनेटर में 1 ऐड करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ डिनोमिनेटर में, तो हमें फ्रैक्शन मिलता है। टू फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया, जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो हमारा क्या है, 1 है। फिर उसने बोला इट बिकम 1/2, अगर उसको 1/2 मिलता, कब मिलता है, जब वो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करता है। कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोली जाती है उस चीज़ को आप लेट कर लो। ठीक है भाई, बार बार कह रहा हूँ, जो आपको फाइंड करने के लिए बोली जाए उसको आप क्या कर लो, लेट कर लो, लेट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट द फ्रैक्शन उसको हमने मान लिया बेटा क्या, x बाय y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, उसने बोला अगर मैंने न्यूमिनेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 1, क्या मिला मुझे 1। तो भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, तो ये साइड आएगा तो x माइनस y, ये हो जाएगा आपका माइनस 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। अब सेकंड क्या कह रहा है बेटा, सेकंड में ये कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूँ, तो मुझे 1/2 मिलता है, मुझे क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। तो ठीक है भाई, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5+1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है भाई, अगर हम इसमें कंपेयर करके देखें जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, तो बेटा इसमें से हम सेकंड इक्वेशन में से हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब कि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो भाई ठीक है, तो लिखना 2x माइनस वाई 1 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। आप कहोगे सर आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, देखो बेटा मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके एक किसी एक वेरिएबल के कोफिशेंट को हम सेम करते हैं। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ का y का वेरिएबल क्या है, y का कोफिशेंट क्या है, 1, तो यहाँ पे भी 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया सेकंड में से फर्स्ट को, तो जो हमारा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब कि साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका प्लस, ये कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। x की वैल्यू क्या है, ये आपके बेटा 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, तो करना 3 माइनस y माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस y माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू y की वैल्यू आई आपकी बेटा 5, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू क्या आई आपकी 3। इस वीडियो में इतना और रुको, और उसने बोला फ्रैक्शन क्या होगा, तो भाई फ्रैक्शन क्या हमारा x बाय वाई, तो फ्रैक्शन क्या होगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो हमारा फ्रैक्शन आपका ये हुआ। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही था, अगर किसको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।